पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस श्रृंखला के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्रीमणि एक स्वर प्रणम निसागर जी महाराज की जय। पहले दो दिनों में हमने नमोकार के बीजाक्षरों का ध्यान विभिन्न रंगों के प्रकाश के साथ किया। आज इस श्रृंखला के तीसरे दिन में गुरुवर हमें अरहम बीजाक्षर, जो कि शुद्ध सिद्ध आत्माओं का प्रतीक है, उसका एक अत्यंत मनोहारी ध्यान कराने जा रहे हैं। आइए इस गतिमान अरहम की यात्रा का साक्षात्कार करें और अपने स्थान से ही तीन लोक के भ्रमण का आनंद अनुभूत करें। गहरी श्वास लें, नाभि तक वह श्वास पहुंचे, नाभि पर ओम को लिखें, नाभि पर ओ बनाकर अपने ही अंतर मन से उसके पीछे मात्रा निकालकर उसके ऊपर एक चंद्र बिंदी बनाए, ओम अपनी नाभि के ऊपर लिखें। मन को प्रसन्न रखें, चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता लाएं, बहुत रिलैक्स के साथ नाभि पर ओम, हृदय स्थान पर ह्रीम बनाएं, हा उसके नीचे र की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, हृदय स्थान पर अपने मन से रीम को हमने बना दिया और ऊपर कंठ स्थान पर आए, श्री लिखें। जैसे हम अपने घर की दीवारों पर लिखते हैं, श्री लिखें अपने कंठ पर, अपने अंतर मन से, उस पर भी चंद्र बिंदु ऊपर बनाए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ हमें दिख रहा है, देखते जाएं अंतर मन से और ऊपर चलें, जहां हमारी दोनों भौहें मिलती हैं, नासिका की उत्पत्ति का स्थान, दोनों आंखों के दोनों भौहों के बीच में जो जगह है उसे ज्ञान केंद्र कहते हैं, वहां पर अरहम लिखना है, अपने अंतर मन से अ बनाकर उसके ऊपर एक रेफ लगाकर, ई की जो मात्रा ऊपर लगाई जाती है वह लगाकर चंद्र बिंदु उसी के अंदर बना दें, अंतर मन से एक बार उन्हें पूरे अपने केंद्रों पर निरीक्षण करें, ओम
ह्रीं श्रीं अरहं ओम ह्रीं श्रीं अरहं। अरहं पर ध्यान दें, सफेद प्रकाश से प्रकाशित वह अरहं बहुत बड़ा बीजाक्षर मंत्र है। उस अरहं में बहुत शक्ति है। तीनों लोकों में उससे बड़ा गतिमान और कोई अक्षर नहीं है। सबको अपने वश में करने वाला वह अरहं किसी भी देव देवता से डरने वाला नहीं। इस अरहं बीजाक्षर का जो ध्यान करता है उसे दुनिया में किसी भी शत्रु से कोई भय नहीं रहता। देवता उसके चरणों में नमस्कार करते हैं, भूत प्रेत उससे कोसों दूर भागते हैं। इस अरहं को अपने ज्ञान केंद्र पर प्रकाशमान होता हुआ देखें, सफेद प्रकाश से भरा हुआ वह अरहं के अक्षर दो अक्षर हैं केवल। ऊपर ई की मात्रा रेफ के रूप में लगी है और चंद्र बिंदु इस अरहं की बहुत गति है। इस अरहं को अपनी आंखों की पलकों के ऊपर रखें। कबीर सीधी आंख की पलक के ऊपर, कभी बाई आंख की पलक के ऊपर अरहं। अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से अपने मुख में से प्रवेश होता हुआ देखें। अरहं यह गतिमान हो रहा है। हमारे तालु स्थान पर मुख के अंदर जहां जीभ ऊपर की ओर टकराती है उस तालु स्थान पर ये अरहं पहुंचा है। कंठ स्थान पर ये अरहं, गहरी सांस लें, हृदय स्थान तक इस अरहं को पहुंचाएं और गहरी सांस लें, नाभि स्थान तक इस अरहं को पहुंचाएं। इस अरहं को रोक पाना बहुत कठिन है। अपने शरीर के अंदर इस अरहं को अपनी रीढ़ की हड्डी के पिछले भाग पर घुमाएं। वह अरहं शरीर से बाहर निकल गया है। बहुत दूर तक उसकी गति, जैसे हम कोई टॉर्च को बहुत दूर तक फेंकते हैं, उसका प्रकाश आकाश में हमें दिखाई देता है। दूर तक उसकी बिंदुएं हमें दिखाई देते हैं, ऐसे ये अरहं बहुत दूर एक क्षण में जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। अगले ही क्षण में यह चंपापुरी पहुंच गया। अरहं घूमता हुआ देखें, इसकी गति बहुत तीव्र। इस अरहं को वश में करना दुनिया की समस्त शक्तियों को वश में कर लेना है। अगले ही क्षण में सम्मी शिखर की पार्श्वनाथ भगवान के टॉप पर इस अरहं को देखें। जैसे लाइट जब हम दूर फेंकते हैं तो हमें उसकी केवल किरणें कुछ बिंदुएं दिखाई देती हैं, ऐसे ही लाल बिंदुओं के रूप में, सफेद बिंदु के रूप में यह अरहं एक ही क्षण में यह सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाता है। एक ही क्षण में यह हिमालय पर्वत पर आ गया। एक ही क्षण में यह अमेरिका पहुंच गया।
अगले ही क्षण में यह विदेश क्षेत्र पहुंच गया। इस अरहम की गति को देखें अंतर मन से, चारों ओर यह अरहम कभी पाताल लोक में पहुंच गया। नरक की सप्तम भूमि तक पहुंच गया। एक ही क्षण में यह सौधर्म स्वर्ग के विमान में प्रवेश कर गया। अरहम घूम रहा है पूरे तीन लोक में निर्बाध रूप से। यह अरहम चंद्रमा के विमान से टकरा गया और चंद्रमा के विमान के ऊपर उसी के ऊपर भौरे की तरह मंडरा रहा है। अरहम देखें, चंद्रमा के विमान से स्पर्धा कर रहा है। चंद्रमा का प्रकाश इस अरहम के प्रकाश से फीका पड़ रहा है। इस अरहम के अंदर की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका प्रकाश, इसका तेज बढ़ रहा है। चंद्रमा के विमान से यह टकरा रहा है। चंद्रमा के प्रकाश को इसने फीका कर दिया। अगले ही क्षण में यह सूर्य के विमान से टकराने लगा। सूर्य के विमान के सामने घूम रहा है। सूर्य के विमान की आभा, उसका तेज इसके तेज से परास्त हो रहा है। निर्बाध रूप से घूम रहा है। नंदन वन में पहुंच गया। वहां पर रिद्धिधारी मुनि महाराज के चरणों में घूम गया। उनके मुख में प्रवेश कर गया। उनकी श्वास से उनकी नाक में प्रवेश कर गया। उनके हृदय में प्रवेश कर गया। उनकी नाभि तक पहुंच गया। वह अरहम चारों ओर निर्बाध रूप से घूम रहा है। वह घूमते 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 सर्वार सिद्धि विमान तक पहुंच गया। एक क्षण में सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक का विमान, जिसके आगे और कोई किसी का संसार नहीं, उस सर्वार सिद्धि से ऊपर और चला गया। अंतिम सिद्ध शिला के पास पहुंच गया। वह अरहम देख रहा है, अरहम में सब दिखाई दे रहा है। वह अरहम सिद्ध भगवान की अवगाहना में अवगाहित हो रहा है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान पूरे ढाई द्वीप की सीमा के अंदर अनंत अनंत संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इतना गतिमान, इतना शक्तिमान, इतना सूक्ष्म पर्याय से परिणत हुए अरहम एक क्षण में ही हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर पुनः विराजित हो गया, जहां से निकला था। देखो उसको कितना प्रकाश से भरा हुआ है। उसकी शक्ति महसूस करो। वह अरहम ज्ञान केंद्र पर टिका हुआ है। अरहम के प्रकाश को पूरे शरीर में देखो। उस अरहम को अपनी नासा के नासिका के अग्रभाग पर बैठा हुआ देखो। यह वह ध्यान का क्षण है, अंतिम क्षण। आप हल्की सी अपनी आंख उतनी खोलना जिससे केवल आपकी नाक का अग्रभाग दिखाई दे। अपनी आंख से अपनी नाक का अग्रभाग देखना, केवल अपनी नासा की अनी देखना और कुछ नहीं देखना। उस पर अरहम बैठा हुआ है। अरहम के अक्षर प्रकाश से प्रकाशित हैं और वह हमें अपनी नासा के नासिका के ऊपरी भाग पर बैठा हुआ दिखाई देता। देखते रहो, केवल नासा की नासिका की उस अग्रभाग पर दृष्टि रखना। यह वह अभ्यास है जिसके माध्यम से आप
दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवा सकते हैं। इस अरहम को इस स्थिति में देखने वाला जीव जो भी अपने मन के अंदर भावना करता है उसकी वह भावना पूर्ण होती है। इस अरहम को अपनी नासिका के नाक के अग्रभाग पर अपनी आंखों से देखो। यह नासात्र दृष्टि जो अरिहंत भगवान की होती है वैसी ही बनाओ। जिनको ये महसूस होता है हमारे घर में हमारे लोग हमारी बात नहीं मानते, उन्हें अपनी दृष्टि को नासात्र करके इस अभ्यास को बनाना। लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको चाहेंगे। जितना आपका ये अभ्यास बढ़ेगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे, आपके घर के सभी सदस्य आपकी बात मानेंगे। इस नासाक्त दृष्टि पर अरहम का चिंतन शरीर की मन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकने का और सकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश कराने का बहुत बड़ा माध्यम है। एक बार पूरी ताकत के साथ इस अरहम का उच्चारण करेंगे, केवल अरहम का। अरहम और एक बार पूरे शरीर में उस गूंज को गूंजता हुआ देखें। पूरे शरीर में अरहम 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 के अक्षरों को लिखा हुआ देखें। पूरे शरीर को शक्ति से भरा हुआ देखें। अपनी ही शक्ति से अपनी ही ऊर्जा से इस अरहम को पूरे शरीर में गूंजता हुआ देखें। अरहम अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, पूरे शरीर में स्पर्श करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति। अरहम का तेज अपने आप में अलौकिक है, जो किसी भी सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश को पराजित कर सकता है। इस अरहम मंत्रराज का ध्यान करके इसके प्रकाश की ऊर्जा से अपने चित्त को विशुद्ध और मन को सशक्त करें। तो आइए ये प्रयत्न करते हैं कि हम प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट के लिए इस अद्भुत ध्यान की प्रक्रिया को अवश्य करेंगे। इसके लिए अरहम ध्यान योग आपको अनेक प्रकार के ध्यान ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराता है। बीजाक्षरों के ध्यान के बाद स्वयं में स्वयं का उपचार कैसे किया जाता है सीखेंगे कल अरहम श्री के मुखारविंद से। तब तक के लिए ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है। हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है,
कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?